हमारी बातों में मजाक जरूर होता है, पर हम हर बात मजाक में नहीं करते। नमस्कार, हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इस टीचर स्वर में। आइए आज के वीडियो में है बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत एक डिजाइनर लॉन्ग गाउन का कटिंग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कटिंग। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, इसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए आज के वीडियो में हम एक डिजाइनर गाउन का कटिंग देखेंगे। इस डिजाइनर गाउन को बनाने के लिए हमें सॉफ्ट कपड़े की जरूरत होगी। वैसे तो आप कॉटन में भी बना सकते हैं, पर उतनी सफाई कॉटन के कपड़े में नहीं आएगी, इसलिए आप कोशिश करें सॉफ्ट कपड़ा लेने का। ये हमारे पास कपड़ा है, ये 4.5 मीटर हमारे पास कपड़ा है, और जो घेरे का पार्ट है यानी कमर लेंथ से नीचे का, उसको मैं ए लाइन बनाने वाली हूँ। अगर आप अम्ब्रेला बनाना चाहते हैं नीचे का घेर, तो आपको कपड़ा कम से कम 5 मीटर लेना होगा। कपड़े का पन्हा जो है वो है 46 इंच, तो इतना घेर जो है, इतने इंच का जो चौड़ाई है पन्हा है कपड़े का, उसमें हमें कम से कम 2.25 मीटर फ्रंट बैक यानी टोटल घेरा जो है नीचे का 2.25 मीटर पूरा आपको रेडी मिलेगा, जो सफिशियंट है। वो चाहे कितना भी हैवी साइज क्यों ना हो। ये हमने कपड़े को पन्हे में इस तरीके से डबल कर लिया है, और मार्किंग के लिए, जैसा हमें पहले भी बताई हूं, मार्किंग के लिए हमें कपड़े को उल्टा साइड ऊपर की तरफ रखना है, सीधा साइड हमने अंदर की तरफ रखा है। फोल्ड हिस्सा मेरे सामने है और जो ओपन हिस्सा है कपड़े का अपोजिट साइड में है मेरे। आइए अब इसका हम मेजरमेंट जान लेते हैं। ये काफी हैवी साइज है, अगर आपका साइज यही है तो आप सेम तरीके से कटिंग कर लें। जो टोटल लेंथ हमें तैयार रखना है 56 इंच रखना है। शोल्डर जो बॉडी से मेजर किया हुआ है 16 इंच है, और इसके बाद का जो मैं मेजरमेंट बताऊंगी वो लूजिंग के साथ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। चेस्ट हम तैयार रखेंगे 48 इंच, कमर का राउंड है 42 इंच, आर्म होल का लेंथ हम रखेंगे इसमें, ये कॉलर वाला बनने वाला है तो हम आर्म होल जितना मेजर करेंगे बॉडी से उतना रखेंगे, और प्लस जो सिलाई मार्जिन होगा वो हम ऐड करेंगे कटिंग के समय। इसमें जो नेक ब्रॉड होगा 3.5 इंच होगा, सिर्फ इसमें हम बैक में नेक का कटिंग करेंगे, और बाजू का लेंथ यहाँ पर मैं फुल बाजू बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पर बाजू का लेंथ है 22 इंच, और मोहरी जो है वो है 14 इंच, टोटल राउंड मोहरी जो है 14 इंच का है। तो चलिए इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग करते हैं। आर्म होल का इस राउंड हमने इसमें रखा है 18 इंच, तो टोटल राउंड, टोटल जो लेंथ है हमारे गाउन का 56 इंच है, उसमें से हम अपर पार्ट का लेंथ माइनस कर लेंगे। अपर पार्ट का लेंथ हमारा है 15.5, उसमें 1 इंच ऐड करते हुए 16.5 पे हम कटिंग करेंगे अपर पार्ट का, तो 16.5 पे हम मार्क करेंगे। ये हमने फ्रंट का लिया, और इससे 1.5 इंच हम बैक के लिए अपना कपड़ा कटिंग करेंगे। दोनों पीस को हम फ्रंट बैक अलग कर लेते हैं, उसके बाद हम कटिंग शुरू करेंगे। हम अपने फ्रंट से बैक पार्ट को 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि ये कॉलर वाला है तो बैक जो है एक्स्ट्रा कटिंग होता है। तो यहां पर हम 18 इंच का बैक पार्ट ले लेंगे लेंथ, और इस लाइन को भी हम सीधा करके और बैक पार्ट को कट करके निकाल देते हैं।
बाकी कपड़े को अभी हम साइड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। तो हमने कपड़े को डबल किया हुआ है, बंद हिस्सा मेरे सामने है। बॉडी से मेजर किया हुआ है शोल्डर, जो वो है 16 इंच। इसमें हम टोटल शोल्डर में 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन, तो होता है 17। 17 का हम 1/2 करेंगे तो 8.5 होता है। यहाँ पर हम शोल्डर का नाप लगाएंगे 8.5 इंच। यहाँ पर हम शोल्डर का नाप लगाएंगे 8.5। आर होल का लेंथ उतना ही लेंगे जितना हमारा शोल्डर है 8.5 पे, और जितना शोल्डर है वहां जहां हमारा आर्म होल का लेंथ आया वहां भी हम 8.5 पे मार्क करेंगे। इसलिए इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। यहां पर हम लगाएंगे अपने चेस्ट का मार्किंग। चेस्ट है 48 इंच टोटल राउंड, ये हमने लूजिंग के साथ लिया हुआ है, तो 48 का 1/4 होता है 12 इंच। ये हमने 12 इंच पे मार्क किया, और 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेंगे और इस लाइन को हम आगे बढ़ा लेते हैं। कमर का राउंड है 42 इंच लूजिंग के साथ है, तो उसका 1/4 करेंगे हम यहाँ पर, 10.5 होता है। यहां भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और इन सभी लाइनों को मार्जिन का लाइन मार्जिन से मिला देंगे नीचे तक, और फिटिंग का लाइन फिटिंग की लाइन से मिलाएंगे। यहां से हम 1.5 इंच लेंगे बैक आर्म होल का शेप देने के लिए। 1 इंच हम चूंकि ये कॉलर वाला है इसलिए हम 1 इंच यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे। उसके बाद ये जितना भी बचता है उसका हम हाफ करेंगे इस तरीके से। अपने मेजर टेप को फोल्ड करेंगे और मार्क कर लेंगे, और फ्रेंच कर्व की सहायता से हम गोलाई देंगे अपने बैक आर्म होल का। यहां पर हम अपना आर्म होल नाप लेंगे। हाफ इंच हम शोल्डर का सिलाई का छोड़ते हुए नापेंगे, 9 इंच से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं 9.25 आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा फिट आएगा। नेक ब्रॉड यहां पर मैं रखने वाली हूं 3.5 इंच, ये हमने मार्क किया, और जहां शोल्डर ड्रॉप हमने किया है वहां पर इस तरीके से तिरछी लाइन बना देंगे। बैक में नेक कटिंग करेंगे हम, आधा से 1.25 इंच आप कटिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से हल्की सी गोलाई दे देंगे। हमारा बैक पार्ट का मार्किंग हो चुका है और हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब हम अपना फ्रंट कटिंग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, फ्रंट में थोड़ा चेंज होने वाला है। फ्रंट को भी जैसे हमने बैक बिछाया था वैसे हम बिछा लेंगे, और जो नेक का साइड है वहां से हम अपने फ्रंट को 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से। वेस्ट लेंथ तक 5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और इस लाइन को हमने सीधा करना है। जो हमने 5 इंच का मार्किंग किया है वहां से हम अपने बैक को रखेंगे, नीचे से हम बराबर रखेंगे, और जो एक्स्ट्रा वाला हिस्सा हमने बैक
एक्स्ट्रा कटिंग किया था उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। और इस मार्किंग से हमें मिला के रखना है, कहीं से भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसा है बिल्कुल हम वैसा मार्किंग कर देंगे। ये जहां आर्म होल का लेंथ आया है वहां इस तरीके से कैंची की नोक से हम मार्क उठा लेंगे नीचे की तरफ। और इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। क्योंकि हमें अपने फ्रंट साइड के आर्म होल को थोड़ी गहराई में कटना है और बाकी मार्किंग जैसे है बैक का उसी हिसाब से हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं आर्म होल को। यहां हमें नेक का मार्किंग करने का फ्रंट में कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने बैक साइड का शोल्डर स्लोप 1 इंच दिया था, फ्रंट में भी हम 1 इंच का शोल्डर स्लोप देंगे। और जितना आपने नेक ब्रॉड रखा यहां से 3.5 पे लेते हुए इस तरीके से करेंगे। और इस लाइन को हम इस तरीके से क्रॉस में जैसे बैक का मिलाया था वैसे मिला देंगे। यहां पर इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा करेंगे। अब हमें अपने फ्रंट का मार्किंग करना है। फ्रंट क्या है वो आप हमारे मेजरमेंट वाला वीडियो देख के समझ जाएंगे। जहां ये हमने बैक के आर्म होल का लेंथ लिया था यहां से हम 1.25 अंदर की तरफ आएंगे और इस तरीके से इस लाइन को करेंगे। और जहां हमारा आर्म होल का लेंथ आया है वहां पर हम इसको तिरछा में मिला देंगे। और यहीं से इस तरीके से ये लेंथ का सेंटर करेंगे और अपने फ्रंट आर्म होल का मार्किंग कर लेते हैं। फ्रंट और बैक के आर्म होल के मार्किंग के बीच में हमें 1 से 1.25 इंच का गैप देना होता है। अगर आप कॉलर वाला बना रहे हैं इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बिल्कुल हमें जैसा हमने बैक में फिटिंग का मार्किंग किया था वैसे ही हमें फ्रंट में भी अपने फिटिंग का मार्किंग कर लेना है। ध्यान रहे फिटिंग का मार्किंग हमें ये हमने जो 5 इंच पे मार्किंग किया है वहीं से लेना है। तो यहां पर हम लगाएंगे 12 इंच, 1.5 इंच का मार्जिन है। कमर 42 इंच है तो यहाँ 10.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन होगा। दोनों लाइनों को ऊपर और नीचे बिल्कुल मिला लेंगे। फिटिंग का लाइन फिटिंग से और मार्जिन वाला लाइन मार्जिन के लाइन से। बस हमें फ्रंट में इतना ही चेंज करना है। ये हमारे फ्रंट का भी मार्किंग हो गया। चलिए अब हम इसका भी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट भी कट गया। अब इसको सेंटर से दोनों पार्ट को यानी दोनों साइड के पार्ट को अलग अलग कर देंगे। अब हम अपने घेर का कटिंग करेंगे। अपर पार्ट कटिंग करने के बाद आपका टोटल लेंथ में जितना भी बचता है उसका डबल प्लस 3 इंच आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो मैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले रही हूँ 43.5 इंच, फोल्ड वगैरह का सब लेते हुए। ले लिया हमने। हमें इसका डबल कपड़ा चाहिए। हमने डबल कर लिया और बिल्कुल सीधा यहां से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देते हैं ताकि हमें घेर का कटिंग करने में आसानी हो।
कि हमने घेर के लिए भी कपड़ा निकाल के अपने लेंथ के हिसाब से रख लिया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ आपको। मान लीजिए अगर आपके कपड़े में डिजाइन का जो है एक साइड को जा रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर पूरा फोल्ड में लिया है कपड़ा, अगर आपका डिजाइन एक साइड को जा रहा है तो उल्टा हो सकता है, फ्रंट का सीधा आएगा तो बैक का उल्टा होगा, अगर फ्रंट का उल्टा होगा तो बैक में सीधा जाएगा आपका डिजाइन। तो क्या करें उसके लिए, आप सेंटर से कपड़े को, जितना भी आपका घेर का लेंथ है उसे सेंटर से कट करें लेंथ को, और कपड़े को पलट लें ताकि आपका डिजाइन जो है दोनों साइड सीधे में आए। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कटिंग करते समय। ये हमने कपड़े को फोर फोल्ड कर लिया है, ओपन दिशा मेरे अपोजिट में है। अब लगाएंगे अपने यहाँ पर कमर का मार्किंग। तो यहाँ पर भी हमें जब हम अपर पार्ट में ज्वाइंट करेंगे तो हाफ इंच का मार्जिन चाहिए होगा, तो इस तरीके से हाफ इंच मार्क करके इस लाइन को सीधा कर लेना है, और हम अपने घेर के लेंथ को यहीं से मेजर करेंगे। सबसे पहले कमर का राउंड लगाएंगे, तो 10.5 है मेरा फोर्थ पार्ट, यहां पर 10.5 पे मार्क करेंगे, प्लस 1.5 इंच यहां पर भी हम मार्जिन ले लेते हैं। इतना मार्जिन आपको लेना ही होगा। मान लीजिए कभी आपका ड्रेस टाइट होता है तो आपको अलग से कपड़ा ज्वाइंट करने की जरूरत ही ना पड़े, इसलिए हमें मार्जिन सफिशियंट लेना है। यहां से हम अपना लेंथ लगाते हैं, 43.5 पे मार्क करेंगे, ये पूरा है। ध्यान रहे फोल्ड का भी हमने इसी में ऐड किया हुआ है। जो साइड का हिस्सा है इस तरीके से हम तिरछे में रखेंगे, और नीचे से कम 2 इंच ऊपर ही हम इसे खत्म कर लेंगे। यहां पर भी जितना इधर हमने मार्क किया है उतना ही हमें इधर भी लेना है। तो देखिए यहां से 1 से 1.25 इंच कम से कम ऊपर आ गया है यहाँ का लेंथ साइड का। ये क्रॉस में होता है इसलिए यहाँ पर बढ़ जाता है साइड में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इस तरीके से नहीं किया, मेजर सीधे में कर दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा, कोना लटकने लगता है पहनने के बाद। अब हम बड़ा स्केल लेंगे और इस तरीके से पूरा नीचे तक इस लाइन को मिला देंगे। और इस तरीके से कर्व स्केल लेंगे और जो कर्व वाला हिस्सा है इस तरीके से नीचे की तरफ रखेंगे और अच्छे से गोलाई दे देंगे इस तरीके से। ये हमारे घेर का मार्किंग हो गया, हम इसका भी कटिंग कर लेते हैं। ये कमर के पास जुड़ा हुआ है, इसे भी हम अलग अलग कर लेंगे फ्रंट बैक को। अब यहां पर हम फ्रंट बैक लेंगे और साइड से इस तरीके से हम बराबर से मिला लेते हैं बैक को, साइड से मिलाएं, इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि हमने फ्रंट को 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और जिधर से हमें फिटिंग करना है साइड के हिस्से से हम 1 से 1.25 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, और इस तरीके से हल्की सी गोलाई देके कट करेंगे, इससे फिटिंग बहुत अच्छा आता है। और इसका कटिंग कर लेते हैं। अब स्लीव का कटिंग करेंगे। जितना हम अपना आर्म होल का राउंड कटिंग करते हैं
उससे 1.5 से 2 इंच चौड़ाई ज्यादा हमें लेना है कपड़े का। ये हमने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। कपड़ा हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। हम 1 से 1.5 इंच इसलिए ऐड करते हैं आर्म होल राउंड में क्योंकि मार्जिन भी चाहिए होता है, जितना हमने अपने अपर पार्ट में कटिंग किया है उतना ही मार्जिन यहाँ भी हमें लेना है। इस चीज का ध्यान रखते हुए हम कटिंग करेंगे। ये स्लीव भी मैं डिजाइनर बनाने वाली हूँ। टोटल लेंथ हमारा बाजू का है 22 इंच, उसमें से मैं 2 इंच फ्रिल के लिए अलग से लगाने वाली हूँ पट्टी, तो मैं उसको माइनस करते हुए 20 इंच पे कटिंग करूंगी। 1/2 इंच मार्जिन हमें जब हम अपने अपर पार्ट में ज्वाइंट करेंगे आर्म होल को तो चाहिए, उसका ऐड करना है। और नीचे मोहरी के साइड हमें 1 इंच का मार्जिन चाहिए होगा, वो सिलाई के टाइम आपको बताऊंगी कि ये मैंने क्यों लिया। यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। उसके बाद हम लेंथ लगाएंगे 20 इंच। ट्वेंटी के बाद हम 1 इंच का यहां पर नीचे मोहरी के साइड मार्जिन लेंगे। मैंने बोला कि ये डिजाइनर बाजू बनने वाला है, तो जितना आपका राउंड आता है मोहरी का उसमें 2 इंच प्लस करते हुए आप ले लीजिए। मैं यहां पर मेरा मोहरी है 7 इंच, यानी डबल करें तो 14 इंच होगा, तो मैंने उसका आधा लिया। उसमें मुझे 2 इंच और प्लस करना होगा, तो मैं यहाँ पर 9 इंच ले लेती हूँ। आप 1 इंच भी प्लस कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और इस लाइन को हम यहाँ सीधा कर देंगे। यहाँ हमें ना मार्जिन भी इसी में ऐड किया हुआ है, इसी 2 इंच में। उसके बाद जितना भी हमारा आर्म होल का राउंड है उसका आधा हम इस तरीके से तिरछे में नापेंगे। यहां हमें कैप हाइट चाहिए 3.5 इंच, आप इसे ज्यादा भी ले सकते हैं, 3.75 भी ले सकते हैं। और जहां हमने कैप हाइट का मार्किंग किया वहां से इस तरीके से 9 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद हमें 1.5 इंच का मार्जिन चाहिए। और यहां से कम 1.5 से 2 इंच हमें शेप नहीं देना है, उसके बाद ही हमें इस तरीके से शेप देना शुरू करना है। एक बार और इस तरीके से हम अपने आर्म होल की गोलाई को नाप लेंगे। ये देख सकते हैं यहां पर आ रहा है 9.25, और हमें यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन चाहिए होगा, तो ये मार्जिन हो गया। अब इस लाइन को हम मोहरी तक मिला देंगे। यहाँ 2 इंच तक हम बिल्कुल बराबर रखेंगे जहां हमने आर्म होल का कर्व दिया। उसके बाद हम इस तरीके से तिरछे में लाइन को मिला देंगे मोहरी तक। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। अपने बाजू को खोलेंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे, जैसे हमने अपने फ्रंट पार्ट में दिया है अपर पार्ट के लिए। सेंटर से इस तरीके से जितना भी आता है हमारा सेंटर, उस उतने का सेंटर कर लीजिए। जहां सेंटर आया है वहां से 1/2 इंच हम अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरीके से मार्किंग करते हुए यहाँ 1/2 इंच डाउन जाएंगे जहां मार्क किया है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाएंगे और इसका कटिंग कर लेंगे।
ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है, इसे ये हमें याद रहे इसके लिए यहाँ पर कट डाल देंगे ताकि सिलाई के वक्त हमें कोई परेशानी ना हो। ये अपने टोटल मोहरी को नाप लेंगे, उतना ही लंबाई का हमें फ्रिल लगाने के लिए चाहिए। 2 इंच का हमें फ्रिल लगाना है, उसके लिए हमें 3 इंच चौड़ाई का कपड़ा कटिंग करना होगा। ये जब हमने बैक पार्ट कटिंग किया था तो साइड से बचे हुए कपड़े से हम कट कर लेते हैं। ये जो किनारा का हिस्सा है उसे हम नहीं रखेंगे, उसको छोड़ते हुए हमें मेजर करना है। तो जितना हमारे मोहरी का कपड़ा हुआ था लेंथ, उतना ही हमें नाप के कट कर लेना है और चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच, क्योंकि दोनों साइड हमें मार्जिन चाहिए। किनारे का हिस्सा छोड़ते हुए इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। और 3 इंच पे अपने टोटल लेंथ में मोहरी के कर लेंगे। हमें 18 इंच चाहिए तो इस तरीके से नाप लीजिए कि 18 इंच कहाँ पे आ रहा है। ये हमने कपड़े को डबल रखा है, हमें दोनों स्लीव का एक साथ निकाल लेना है। हमने मार्क कर लिया है, हम कटिंग कर लेते हैं फ्रिल को भी। किनारे के हिस्से को हम कट करके निकाल देंगे। ये इस तरीके से हमारे गाउन का कटिंग पूरा होता है। इसे बनाना कैसे है उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है इस डिजाइन को बनाने के लिए, जो कि मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ। मिलते हैं इस गाउन के स्टिचिंग के वीडियो के साथ। इस कटिंग के वीडियो को देखते हुए आपको कहीं भी ऐसा लगे कि क्या नहीं समझ में आया है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, तो आप अपने सवाल हमसे जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसके स्टिचिंग के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम जो भी सामान यूज करते हैं, जैसे मशीन, फ्रेंच कर्व, स्केल, निडिल, प्रेशर कोट, थ्रेड, इन सभी का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। आप वहां से बाय कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करें, यानी अपनी राय दें। हमारे चैनल के बाकी वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के सभी नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।